मुझको आप लोग एक बात बताइए कि इंसान जब अपने काम काज से बहुत ज़्यादा थक जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, उसको फिर कुछ फुर्सत के लम्हात मिलते हैं, अपनी मसरूफियात से छुट्टियाँ मिलती है, तो उस वक्त इंसान क्या करता है? बोलिए, जिसको जॉब देना हो हमारे ऊपर करेगी। हाँ यस, तो यार वेरी गुड, ठीक है। उस वक्त इंसान अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालता है और अपने मकाम को तब्दील करता है, दूसरे मकाम पर जाता है, किस गलत से? तफरी की गलत से, इंटरटेनमेंट के लिए। और जो तफरी की गलत से अपना मकाम छोड़कर किसी और मकाम पर पहुंचता है, वो दरअसल कहलाता है तैयार। क्या कहलाता है? तैयार। हम तैयार और तारी, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, इसके मुताबिक हम आज की कड़ी करते हैं, तैयार और तारीख। याद रखिए, तैयारत और तारीख का बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब वो किस तरीके से इंग्लिश में से कहते हैं तैयारत को? वेरी गुड। आप गौर कीजिए, इंसान उमूमन तैयारत के लिए दो मकाम पर अक्सर जाता है। वो पहला मकाम होता है जहाँ पर कुदरती खूबसूरतियाँ बहुत ज़्यादा हों, नेचुरल ब्यूटीज हों, ऐसी जगहों पर वो ज़्यादा जाता है। और दूसरी वो जगह जो तारीख से मुतालिक हो, जिसकी तारीखी हैसियत हो, जहाँ पर तारीखी यादगारें हों जो हमारे तहजीब और सकाफत से मुतालिक हो। और अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर इंसान तारीखी मकाम पर सियाहत के लिए पहुँचता है, बराबर है। वैसे तैयारत की पांच अहम अक्साम है, कितनी अहम अक्साम है? पांच अक्साम है। पहली जो किस्म है उसकी, वो है घरेलू तैयारत। कौन सी है? घरेलू तैयारत। घरेलू तैयारत इंसान जब अपने ही मुल्क में रहते हुए तैयार करता है तो उसे घरेलू तैयारत कहते हैं। दूसरी जो तैयारत है बैनुल अक्वामी तैयारत। कौन सी है? जब कोई शख्स अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाता है या कोई और मुल्क के लोग हमारे मुल्क में आकर तैयार करें तो बैनुल अक्वामी तैयार होती है। तीसरी जो तैयार है वो मजहबी तैयार है। कौन सी है? जब इंसान किसी मजहबी मकसद से मजहबी रुकने लगा कि हमें कोई मकाम हो, जैसे मनाजिर हो, मसाजिद हो, मकाबिर हो, और आलमी तौर पर लोग हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, ये तो मजहबी मकाम है। चौथा है तिब्बी तैयारत। कौन सी? तिब्बी तैयारत। के लिहाज से ऐलान व मुआवजा के लिए इंसान जब किसी मकाम पर जाए या एक मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाए तो वो तिब्बी तैयारत है। और पांचवा है तालीमी तैयारत। इंसान जब तालीमी मराकज पर, तहकीकाती अदारों पर या फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह पर तालीमी मकसद से पहुंचता है तो वो है तालीमी तैयारत। तो इस लिहाज से देखा जाए तो तैयारत का तारीख से गहरा ताल्लुक होता है। हिंदुस्तान के अंदर कदीम दौर में बहुत सारे सयाहों ने सफ़र किया और सफ़र करते हुए यहाँ के हालात को बगौर मुशाहदे के तौर पर उसको बारीकबीनी से देखा और उसे तलंबन किया। उसे कहते हैं सयाहों के सफ़रनामे। और आज ये सफरनामे इन तैयारों के हमारे लिए बहुत अहम तारीख के माफद हैं। यहाँ पर देखिए कुछ तारीखी मकाम हैं, बल्कि ये सात अजायबात हैं। क्या है ये? सात अजायबात हैं, सेवन वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड। जिसमें नंबर एक पर आप देखोगे तो हमारे मुकबल ताजमहल है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक पिरामिड बना हुआ है जो मेक्सिको सिटी के अंदर है। यहाँ पर तीसरा नंबर स्टैचू और तीस है, यानी ईसा अलैहि सलाम का मुजस्मा है जो ब्राज़ील में है। चौथे नंबर पर है रोमन क्लोजियम। क्लोजियम समझ लीजिए एक बड़ा हॉल जहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शन के कुछ वगैरह के मुकाबले होते थे। पाँचवें नंबर पर है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी दीवार चीन जो चीन के अंदर है। और यहाँ पर है माचू पिचू, ये एक कदीम शहर के बाकियात है यहाँ पर जो कि पेरू में है। और एक है पेट्रा जॉर्डन जो पहाड़ों को तलाश कर इबादत का वगैरह बनाई गई है। तो ये सात मुख्तलिफ अजायबात हैं
तमाम के तमाम हिंदुस्तान की बेहतरीन यादगारें हमारे तहजीब और सकाफत के वर्से हैं और ये इमारतें दिल्ली से मुतालिक हैं, दिल्ली के अंदर वाली। ओके, थैंक यू। Thank you.